Hello everyone, you have part 6 of unique design of earrings, ear ornaments of tailor-made paintings. Is ear ornaments go up god or goddesses ke ear ornaments ke roop mein dekh sakte hain. Ye bahut hi unique hote hain क्योंकि हर एक पेंटिंग में आपको ये वाले डिज़ाइन देखने को नहीं मिलेगा. कुछ ही डिज़ाइंस आप गॉड एंड गॉडेसेस में देख सकते हैं, जैसे कि ये स्नेक डिज़ाइन जो जिसका नाम है नागा कुंडलम, ये आपको लॉर्ड शिव जी और गॉडेसेस दुर्गा के ईयरिंग के आकार में देखने को मिलेगा. इसके भी बहुत सारी यूनिक डिज़ाइंस हैं, उसमें से मैं दो आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में. इसके साथ ही बाकी सारे गॉड एंड गॉडेसेस के देवी और देवताओं के कुछ यूनिक डिज़ाइंस ऑफ ईयर ऑर्नामेंट मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी. तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए. ये भी एक दूसरे टाइप का नाग कुंडलम है. इसमें आपको कुछ यूनिक डिजाइन देखने को मिल जाएगा. आप रेफरेंस पिक्चर में भी देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगी, जिसमें लॉर्ड विष्णु कुछ इसी तरह के ईयर ऑर्नामेंट्स पहने हुए दिखाई देंगे आपको. ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, तो अगर आप बनाना चाहें तो इन ऑर्नामेंट्स को भी बना सकते हैं. ये है हस्तकुंडलम, इसमें आपको हाथी के डिज़ाइन मिलेगा. पहले हमने सर्पकुंडलम बनाया था जो कि स्नेक का डिजाइन था. और भी यूनिक डिजाइन्स है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं पूरा और सीख सकते हैं केला म्यूरल पेंटिंग्स के डिफरेंट ईयर ऑर्नामेंट्स. मेरी पहले वीडियो में मैं आपके साथ ईयर ऑर्नामेंट्स शेयर कर चुकी हूँ जो कि बहुत ही यूनिक डिज़ाइंस हैं और कॉमन डिज़ाइंस हैं जो कि आपको हर एक केला मिरर पेंटिंग में देखने को मिल जाएगा. उसी तरह से ये एक यूनिक डिज़ाइन है कुंभा कुंडलम, तो है सिंभा कुंडलम. ये वाले डिजाइन आपको हर एक पेंटिंग में देखने को मिल जाएगा, तो आप ये वाला डिजाइन जरूर प्रैक्टिस कीजिए. और उसके बाद ये वाला डिज़ाइन है मकर कुंडलम, ये लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड कृष्ण के ईयरिंग्स में आप देख सकते हैं. ये उनका स्पेशल ईयर ऑर्नामेंट्स है मकर कुंडलम. आप रेफरेंस पिक्चर पे भी देख पाएंगे.
ज़्यादा डिज़ाइन जो अभी मैं बना रही हूँ ये आपको हर एक केरला म्यूरल पेंटिंग में देखने को मिलेगा। उसी तरह से मैं आपके साथ दूसरा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ आकर कुंडलम का, क्योंकि कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। ये सारे डिज़ाइन जो हैं बड़े बड़े पेंटिंग्स में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं कलर करने के बाद। सभी का कलर और शेडिंग पार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी के डिज़ाइन भी प्रैक्टिस करें।